बिहार में कांग्रेस का इरादा कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का है? कांग्रेस के बड़े नेता ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस का लक्ष्य अब बीजेपी को हराना है। सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में कांग्रेस कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी? और जो कांग्रेस बार बार ये मांग कर रही थी कि बिहार में कैबिनेट विस्तार में उनको दो मंत्री पद मिलने चाहिए, इस मामले पर कांग्रेस अब साइलेंट मोड में क्यों चली गई है? और क्या वाकई बिहार में कैबिनेट विस्तार होगा या ये मामला 2024 तक लटक गया है? बिहार में कांग्रेस का इरादा कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का है, इनको लेकर एक बड़ा बयान आया है कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का। अजीत शर्मा ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है एक इंटरव्यू के दौरान, और उनके बयान से ये साफ है कि कांग्रेस ने जो अपनी डिमांड थी और उससे पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस ने अपनी डिमांड को छोड़ दिया है, अपनी डिमांड को लेकर कांग्रेस बैकफुट पर चली आई है। कांग्रेस ने साफ कहा है, कांग्रेस के बड़े नेता ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस का लक्ष्य अब बीजेपी को हराना है। कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं अजीत शर्मा, उन्होंने कहा है कि मंत्री बनना मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है। मंत्री बनने को लेकर केंद्रीय नेतृत्व और नीतीश कुमार तय करेंगे, हम चाहते हैं गठबंधन एकजुट रहे। बिहार में कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये मल्लिका अर्जुन खड़गे और राहुल गांधी तय करेंगे। नीतीश कुमार और राहुल गांधी लालू यादव से बात कर सब कुछ तय हो जाएगा। लालू जी तय करेंगे, अच्छी खासी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, सीट महत्वपूर्ण नहीं है, बीजेपी को गद्दी से उखाड़ फेंकना महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा जो साफ तौर पर कह रहे हैं मंत्री बनना मुद्दा नहीं है, महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है, सीटें महत्वपूर्ण नहीं है, कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, महत्वपूर्ण यह है कि बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। सीटें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लालू यादव, नीतीश कुमार, ये सब लोग मिलकर तय कर लेंगे कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और नीतीश कुमार तय करेंगे मंत्री कौन बनेगा। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जीरो सीटों पर समेटना है, बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। तो कांग्रेस कोई भी समझौता करने के लिए तैयार है, बीजेपी को निपटाने के लिए। कांग्रेस के बयानों में यह साफ तौर पर देखा जा सकता है। इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।